नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश, इस वक्त पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है, तो वहीं उत्तराखंड के चोपता के पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। जहां देखो दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ दिख रही है। क्या घर, क्या सड़क, सब जगह बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। केदारनाथ और ऊंची चोटियों पर भी बर्फ ही बर्फ दिख रही है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के काजा इलाके में जमकर बर्फबारी हुई, जिसके बाद काजा में बर्फबारी का खूबसूरत नजारा दिखा। पूरा इलाका सफेद बर्फ की मोटी चादर से ढक गया। पहाड़ों की रानी शिमला में भी बर्फबारी और बारिश जारी है। ठंड और बर्फबारी के बावजूद पर्यटन बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में IMD ने अगले 48 घंटों के लिए राज्य में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इधर मौसम विज्ञान कार्यालय ने कहा है कि उत्तर भारत में खराब मौसम के कारण सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हो सकते हैं। हाई हिल्स के जो जिले हैं वहाँ पे लगातार बर्फबारी होती रहेगी और मौसम जो है खराब होता रहेगा। बीच में हैवी स्नोफॉल की संभावना है करीब 6 जीबी। कोई वार्निंग इशू हुई है? हाँ, येलो अलर्ट हमने 48 आवर्स का रखा है। जिले उसमें जैसे चंबा है, लाहौल स्पीति है, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सिरमौर के ऊपर के हिस्से और मंडी भी जो बीच में क्योंकि वहाँ का भी कुछ एरिया रहता है, तो ये इन जिलों में जो है हाई प्रोबेबिलिटी है कि हैवी स्नोफॉल भी होगा। बर्फबारी का सिलसिला कश्मीर में भी जारी है। श्रीनगर के डल झील में ताज़ा बर्फबारी हुई, जिससे यहाँ तापमान में गिरावट दर्ज की। पहाड़ों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम के बदले मिजाज से सर्द हवाओं के बीच कड़ाके की ठंड हो रही है। पर्वतीय इलाकों में कई स्थानों पर तापमान 0 के करीब है। पूरा उत्तर और पूर्वी भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। मैदानी भागों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। घने कोहरे और ठंडी हवाओं ने आम लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।